हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को और हमारी वीडियो पर कमेंट करें। आज हम देखेंगे कि हम जो अपनी बॉटनी की फाइल बनाते हैं, हर्बेरियम फाइल, तो उसके अंदर हमें फ्लावर कैसे लगाना है, कैसे प्लांट्स उसको सुखा कर लगाना है। तो इसके लिए गाइस, मैं ये देखें मिर्च का पेड़ है, इसके मैं पत्ते ले रही हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत से जो पत्ते हैं हमें वो ले लेना है, ले रही हूँ। इसे हमें नॉर्मली काट लेना है या फिर जहाँ के भी बड़े आपको पत्ते लगे हैं, आपको जहाँ से आसानी हो काटने में काट लें। मैं मैंने ये काट ली है, अब इसके अंदर कोई फ्लावर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं गाइस। अब इसके बाद मैंने इसे रख दिया है और मैं एक फ्लावर की तरफ की लूँगी, यहाँ पर फ्लावर होगा क्योंकि जो हमें लगाना होती है बॉटनी की फाइल में उसके अंदर रूट शूट फ्लावर सब चीज़ होना चाहिए। अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो फिर उसका मत लगाए फ्लावर, लेकिन लगाना होता है हमें। तो गाइस मैंने ये एक ले लिया है फ्लावर का, देखें एक टहनी मैंने ये ली है, इसके अंदर एक छोटा सा फ्लावर है। मैं आपको बताऊंगी इसे प्रिजर्व कैसे करना है। ये मैंने पत्ते टहनी ले लिए, इसके अलावा मैंने ये बेले का लिया था, मैंने छोटी ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। और इसके बाद आपके पास जो जो फ्लावर हो उनको, जैसे मैंने ये फ्लावर भी ले लिया है इसके अंदर और ये पत्ते भी आ गए और डंडी भी आ गई, स्टेम भी आ गई, लीव्स भी आ गई। हमें इस तरह से अपने जो जो आपको लगाना है वो लगाएं, रोज़ का भी इसी तरह से लेना है। अब चलिए मैं बताती हूँ इसे हमें रखना कैसे, सुखाना कैसे। कोशिश करूँगी कि इसकी जड़ भी आ जाए। तो मैंने एक ये टहनी ले ले रही हूँ, ये रही, ये अच्छी रहेंगी जो अच्छी हो, खूबसूरत लगे देखने में गाइस, वो लेना है। और हमारी हर्बेरियम फाइल का जो पेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, अगर ज़्यादा लंबी हम टहनी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मैंने इसके अंदर इसकी रूट भी ले ली है और ये स्टेम भी आ गई है, लीव्स भी आ गई है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक और ले ले रही हूँ। अब हमारी जो अब नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हम अपने फ्लावर्स को कैसे प्रिजर्व करें, सुखाएं कैसे। हमने तोड़ तो लिया, हमने देख लिया कि किस तरह से हमें तोड़ना है। तो गाइस इसके अंदर ये मैं बेले का ले रही हूँ, तो फिर सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया है, मतलब जितनी बड़ी मेरी टहनी है, ये देखिए इतनी बड़ी टहनी है, इसके हिसाब से मैंने ये पेपर ले लिया है। अब इसके अंदर हम पत्तों को इस तरह से हाथ से करेंगे, इस तरह से दबाएंगे हाथ से, हल्का हल्का सा, मतलब एक सा करेंगे। इसके बाद ये हमें ये दिखना चाहिए कि कली भी हमारी है, जब हमने ली है तो कली को भी हम हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे इस तरह से, और इधर की भी कली को थोड़ा फ्लावर से दूर कर देंगे। और ये जो फ्लावर है हम इस तरह से इसे चिपकाएंगे, इस तरह से कर देंगे कि हम इसके सही से दिखने लगे। इसके बाद हमारा जो पेपर है इसे फोल्ड कर देंगे, फिर करके हाथ लगाएंगे। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे फोल्ड कर देंगे, एक बार हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद हम एक कोई मोटी बुक ले लेंगे, मैंने ये बुक ले ली है, इसके अंदर हम बीच में कितने बीच में इस तरह से लेंगे और अपने इस पेपर को रख देंगे। इसके बाद हमें दो चार दिन बाद इसे खोल के देख लेना है, और मतलब ये देख लेना है कि हमारा जो हमने जो टहनी लगाई है वो हमारी ख़राब नहीं हुई हो। फिर उसके बाद जब दो चार दिन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें पेपर को निकाल देना है और उसके बाद सीधे उसे रख देना है। अब इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ मिंट का, तो फिर इसके अंदर मैंने इसकी देखिए रूट भी ली है, स्टेम है, और ये देखिए मैंने पूरा लिया है। इसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा पेपर चाहिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि फाइल में किस तरह से इसे लगाएंगे। तो फिर ये जो छोटी सी मेरी बंच है इसको भी मैं इस तरह से लगा दूंगी और ये पेपर को फोल्ड कर दूंगी। मैंने ये फोल्ड कर दिया है, अब मैं अपनी ये बुक में रखूंगी जिस तरह से मैंने पहले में रखा था। इसी तरह से मैं मिर्च ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं लिया है, इस तरह से फोल्ड नहीं हो पा रहा है आपका, तो फिर आप एक नीचे पेपर रखिए, फिर फ्लावर रखिए, इसके ऊपर फिर एक दूसरा पेपर रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी जो है वो बथुआ वगैरह का मैंने रख रखा है पहले से, जिस मौसम में बथुआ आता है मैंने जाड़ों में सुखा के रख लिया है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि वो किस तरह का हुआ है, ये तो अब काफ़ी टाइम लगेगा, एक हफ्ता दो तीन हफ्ते लग जाएंगे इसे सूखने में। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे और सारे फ्लावर्स कैसे सूखें। इस बुक के अंदर रखने का फायदा ये होता है, जो हमारे जो सुखाते हैं फ्लावर और हमारे जो पेड़ होते हैं ना, तो फिर वो अच्छे से सूख जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने पालक सुखाई थी, और इसके एक स्पेसिमेन की जगह आप ज़्यादा रख सकते हैं, दो तीन रख सकते हैं। अगर आपका कोई ख़राब हो जाए, किसी पे फफूंदी आ जाए, कवक फंगस आ जाए,
तो फिर मतलब आप उसे हटा दें, दूसरा लगा लें। देखिए मैंने स्टेम रूट ली थी और लीफ भी ली थी, पालक है जो पालक साग होता है ये वो है, इसके अंदर देखें इस वाले के अंदर मेरे फंगस लग गई है, तो मैं इस वाले को नहीं लगाऊंगी, इसको लगाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बथुआ लगाया था, मैंने ये शुरू में कागज़ में करके लगाया था, पेपर में करके, फिर उसके बाद मैंने पेपर हटा दिया था और उसके बाद मैंने ऐसे ही बुक में रखा रहने दिया था। ये देखें कितने अच्छे से हमारा सूखा है, देखें ये इसका फ्लावर है, लीव्स है।